हाय गाइस, कैसे हो आप सब गाइस? क्या आप भी चाहते हो अपने स्मार्टफोन के एप्लीकेशन को कंप्यूटर के अंदर रन करें? जब बात आती है स्मार्टफोन के एप्लीकेशन को कंप्यूटर के अंदर रन करने की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर आता है, वो है ब्लूस्टैक। तो ब्लूस्टैक है अच्छा सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत लैगेंसी देखने को मिलेगी और कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि उसके अंदर वायरस होता है, तो बहुत लैग होता है, मतलब कि मजा नहीं आता है वो चलाने के अंदर, अटक अटक के चलता है। तो हम ये सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करने वाले, हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले जो कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, ना किसी भी तरह की लैगेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना कोई वायरस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना बगैर रिसीव करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड है तो बहुत ही अच्छी, अगर नहीं है तो आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए और आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का पीसी नहीं है तो आप फिर भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ट्राई करने में क्या हो रहा है। ओके, तो गाइस मेरा नाम है शेख अफरास, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, फिर आपको यहाँ सर्च करना है नॉक्स प्ले, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। जैसे आप सर्च करते हो तो आपको ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो आप देख सकते हो जो इसका साइज है सॉफ्टवेयर का 370 MB का साइज है। तो मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा हूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर, तो आप देख सकते हो जैसे आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या, शो इन फोल्डर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप शो इन फोल्डर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सेटअप आपका देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक इस पे कर लेना है। तो जैसे आप डबल क्लिक आप करते हो तो गाइस आप देख सकते हो, जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना और ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है, कुछ 5 से 10 सेकेंड लेगा ये इंस्टॉल होने में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली हमें स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो हमारा जो ये नॉक्स प्लेयर जो सॉफ्टवेयर है वो लोड हो रहा है। तो गाइज लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएंगे, एंड्रॉइड इज स्टार्टिंग। तो गाइज ये पूरा स्मार्टफोन आपके कंप्यूटर के अंदर आ चुका है। तो आपको करने का मैं कुछ इसके टूल्स बता देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ फुल स्क्रीन दिख रहा है, की सेट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, यहाँ पे आपको कुछ बटन दिख रहा है, बैक, होम बटन एंड रिसेंट बटन। तो अगर आपको इसको फुल स्क्रीन करना है तो आप सिंपली यहाँ पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है वो फुल हो चुकी है। तो गाइज आपके सामने कुछ ऐसा स्टार्टिंग में जब आप इंस्टॉल करते हो कुछ आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पे जीमेल की आईडी से लॉगिन करना है, अगर आपको कुछ एप्लीकेशन लेने हैं तो अगर अभी आपको करना है तो आप यहाँ पे लॉगिन नाउ पे क्लिक करके सिंपली आप जैसा फोन में लॉगिन करते हो वैसा लॉगिन कर लेना। अगर आपको बाद में करना है लॉगिन तो आपको यहाँ क्या करना है, लॉगिन लेटर पे क्लिक करना है। तो हम इसे बाद में करते हैं, लॉगिन लेटर पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो ये फुल स्क्रीन पे, अगर आपको इसे फुल स्क्रीन मोड को एग्जिट करना है तो आप स्केप बटन दबा के आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे तो एप्लीकेशन देख रहे होंगे, अमेजन म्यूजिक, वोडाफोन प्ले, सब कुछ, पबजी मोबाइल, यहाँ पे कुछ आपको एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ आपको टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्राउजर हो गया, यहाँ पे टूल्स का फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर आप फेसबुक जैसे सेटिंग्स आपको दिख रही है। फिर यहाँ पे ऐप सेंटर देखने को मिलता है नॉक्स प्लेयर का, यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन गेम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको सिंपली करना है कि यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे ऐप सेंटर पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप देख सकते हो नॉक्स ऐप सेंटर यहाँ पे ओपन हो चुका है, बिल्कुल ये प्ले स्टोर की तरह ही है। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे जितने भी स्मार्टफोन के एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड करके, तो गाइस जितने भी एप्लीकेशन है वो पूरे आ चुके हैं। तो आप जैसे कि मैं बता दूँ आपको, ये लूडो किंग हो गया, क्लैश ऑफ क्लैन हो गया, कुछ जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में रन नहीं होते वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर आपको समझो जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैन ये रन करना है जो कि कंप्यूटर में रन नहीं होता है, तो आपको बड़ी स्क्रीन पे यानी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे खेलना है तो आप सिंपली इसे क्लिक कर लेना है। तो हमें इसे इंस्टॉल करते हैं, तो आपके सामने तो इंस्टॉल करने के लिए आपके यहाँ पे ब्राउजर का एक ऑप्शन दे रहा है और एक प्ले स्टोर का एक ऑप्शन दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ब्राउजर पे भी आप क्लिक करते हो तो ये इनडायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पे ही लेके जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप ये जो एप्लीकेशन है आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल करते हो सकते हो डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर। ओके, हम क्या करते हैं प्ले स्टोर पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जीमेल आईडी आपकी प्ले स्टोर में साइन इन करते हो तो वैसे ही आपको यहाँ पे साइन इन करना है। तो सिंपली आप साइन इन पे क्लिक कर ले।
तो गाइस आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल के आप अपनी ईमेल लॉगिन कर सकते हो। तो वो सबको पता ही है कैसा लॉगिन करते हैं, जैसे आपने स्मार्टफोन के अंदर हम लॉगिन करते हो वैसा करना है, ईमेल आईडी या फोन नंबर डालना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन ले सकते हो। तो मैं जरूरी नहीं समझता हूँ कि ये चीज बताना, सबको पता है, ये बड़ी कॉमन सी चीज है। हाँ तो गाइस जैसे कि आपने अभी देखा हमने किस तरह से एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने पीसी के अंदर रन किया, क्या आप भी चाहते हो अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को पीसी के अंदर रन करो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करने के बाद यूज करने में कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर देना। मिलते किसी ऐसी वीडियो में, चलिए बाय बाय।